बेगूसराय में कहावत है, खायल देह आ नहायल देह नहीं छुपावल जाए छे। 5 साल में लोग सेवा देख लिया है, उससे पहले 5 साल देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार, मैं हूं आपके साथ रवि मेहता। आपके अभी हमारे साथ है कन्हैया कुमार, पूरे बिहार के स्टार प्रचारक के तौर पे हमारे बीच उपस्थित है, और गठबंधन को लेकर जिस तरह से इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, सर क्या लगता है कि बेगूसराय से आप आते हैं, बेगूसराय में आपका महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अभी तो नामांकन हो रहा है, और आप आम लोगों में जो रुझान है, जो उत्साह है, उसको आप देख रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 7 सीट पे महागठबंधन की जीत होगी। अभी राजवंशी बाबू जो है यहाँ से चेरिया बरियारपुर से नामांकन कर रहे हैं, मैं राजेंद्र सिंह मटिहानी और अमिता भूषण बेगूसराय, उनके नामांकन से होते हुए यहाँ आया हूँ। इससे पहले 2 और प्रत्याशी तेघरा और बछवारा में नामांकन कर चुके हैं, तो कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा हमको। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा आप लोग पीछे प्लीज भैया, आप लोग जिसमें देखे सब लोगों से बात। नीतीश कुमार लगातार विपक्ष पर वार कर रहे हैं, और साथ निश्चय की दुहाई देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और बराबर कर रहे हैं हम सेवा करने वाले हैं, और सामने वाला जो हमारा विपक्षी दल है वो हम मेवा खाने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, लोग 15 साल में सेवा देख लिया है, ठीक है ना। बेगूसराय में कहावत है, खायल देह आ नहायल देह नहीं छुपावल जाए छे। 5 साल में लोग सेवा देख लिया है, उससे पहले 5 साल देखा है, उससे पहले 5 साल देखा है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए हम लोग कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। बिहार में एक ही सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार का सवाल। ये चुनाव 2 तरह के लोगों के बीच में हो रही है। एक वो लोग हैं जो बिहार की वस्तु स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इलाज कराने के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, हर चीज़ के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़े। हमार माय बाप से हमारा प्यार नहीं, कथिल चीज़ हो जा फोन करिए जो दिल्ली से मैयो ठीक छियो, यहीं रहें, यहीं पढ़ें, यहीं नौकरी मिले, यहीं इलाज हो, ये सबसे प्रमुख सवाल है विस्थापन का। बिहार को रोजगारोन्मुख बनाया जाए, ये सवाल है। और बिहारी डायस्पोरा पूरी दुनिया में नाम कर रहा है, बिहार की लड़की जो है केरल में जाकर के टॉप की है, हम जो है JNU में जाकर के रैंक 1 लाए थे, यहीं रहता तो यहीं पढ़ते, ये प्रमुख सवाल है। विकास का ढोल फट गया है, अब हम लोगों को ढोलक बदल देना है। हम लोगों को सिर्फ गाल बजाने वाला इंसान नहीं चाहिए, ज़मीन पे काम करने वाला इंसान चाहिए। चेरिया बरियारपुर से जो हमारे प्रत्याशी हैं राजवंशी बाबू, ये सांसद भी रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कोई तरह का गुमान नहीं है, ज़मीनी व्यक्ति हैं। और हमसे क्या पूछते हैं आप, चेरिया बरियारपुर की जनता से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाए। सर, यहाँ की जो JDU नेत्री है और मंत्री भी रही है मंजू वर्मा, वो लगातार विवादों से घिरी रही है, और उनका हालिया बयान है कि यादव समुदाय के लोग कुकर्मी होते हैं, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, एक बात जान लीजिए, ये जो है जब स्मृति ईरानी प्रचार करने आएंगी ना, तो उनसे पूछिएगा कि भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाजपा इसको लेकर के कितना गंभीर है। और आप जब जाइएगा ना, वो जो बयान दी हैं उनके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन आप उनसे कहिएगा कि JDU भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, बहुत बढ़िया। भाजपा नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बहुत बढ़िया। तो उनसे पूछिएगा इस पर आपका क्या कहना है, ठीक है? सर, एक लास्ट सवाल सर, लगातार हमारे दोस्त भी बहुत जो बाहर रहते हैं वो पूछ रहे थे कि बेगूसराय के कन्हैया जी हैं, और अपने लोकसभा क्षेत्र के समय में भी आपने बेगूसराय के स्थानीय मुद्दा को नहीं टच किया, नहीं कहाँ तक सही है ये? नहीं नहीं, सब मेरे बारे में बहुत तरह का झूठ बोला जाता है हमको। यहाँ सर एक यूनिवर्सिटी का मांग है, इस पे सर थोड़ा बता दीजिए। ये मांग ही हम ही लोग उठाए हैं, ये पूछ लीजिएगा। हमारे लोकसभा चुनाव का जो घोषणा पत्र है उसको पढ़िएगा। हमने अच्छे शैक्षणिक संस्थान, अच्छा अस्पताल, अच्छी सड़क, साफ पानी, बिजली, कोई जात का इंसान हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको बराबर का सम्मान मिले, इसी के लिए संघर्ष करते हैं, इसी के लिए लड़ाई। एक सवाल और है,
कि बिहार की विद्यालय, चूँकि बिना शिक्षा का बदलाव नहीं आ पाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। तो बिहार का जो सरकारी विद्यालय है वह भोजनालय बन के रह गया है दिल्ली के तर्ज पर। क्या इस इंग्लिश मीडियम को बहाल नहीं किया जा सकता, और क्या यहाँ के स्कूल में कैमरा नहीं लग सकता है? देखिए, जहाँ इच्छा शक्ति होगी वहाँ पर कोई भी चीज़ संभव है। ये बिहार की धरती है, ये दशरथ मांझी की धरती है। दशरथ मांझी क्या किए, अपनी पत्नी से प्यार करते थे, पत्थर में आंचल फंस करके वो गिर गई, उनकी मौत हो गई, इलाज के लिए वो समय पर नहीं पहुंच पाई। उस मोहब्बत ने उस इंसान ने उस पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। आखिर में मुझे ये बताइए, क्या इस बार जातिगत राजनीति से बिहार की जनता निकल पाएगी, इनके मकर जाल से निकल पाएगी? इसके लिए आप बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? क्या हम बोले रहे, क्या हमारा मुद्दा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बताइए, अस्पताल बनेगा तो एक जात का इलाज होगा, सब जात का इलाज होगा? स्कूल बनेगा एक जात पढ़ेगा, सब जात पढ़ेगा? और सड़क बढ़िया होगा सब जात चलेगा उस पर? जर्किंग होगा सर सड़क में तो सब ने उछलेगा ऊपर नीचे? एक जात के लोग उछलेगा? जात पात का मुद्दा ना हम आज शुरू किए हैं, ठीक है ना, ना हम आज इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जाति और जाति उत्पीड़न ये हजारों साल से इस समाज में रहा है, वो समाप्त हो, सबके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, हम सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं, इसको समझ लीजिए। और जात पात के चीज़ों से बिहार आगे निकलने को तैयार है। बिहार चाहता है कि बिहार भी देश के सभी राज्य के विकसित सूची में सबसे ऊपर पहुंचे। जो हम सबसे नीचे स्टॉप कर रहे हैं ना, ऊपर से टॉप करना चाहते हैं। इसीलिए इस बार का मोदी जी या नीतीश जी? नहीं नहीं, हम व्यक्ति को टारगेट नहीं करते हैं। देखिए, व्यक्ति टारगेट नहीं करते हैं, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम लोग समाज के अंदर जो बुराई है उस बुराई को टारगेट करते हैं। उस बुराई का निर्वहन अगर आप करेंगे, आप उसके वाहक होंगे, तो आपको भी टारगेट करेंगे। बुराई के खिलाफ लड़िए। व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसकी प्रवृत्ति बुरी होती है। और नहीं नीति की हमारा नारा यही है, चेहरा नहीं, नेता नहीं, नीति का सवाल है। चलिए।